टुवर्ड्स द पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपने पहले ऑलरेडी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने भाई की गाड़ी में रिवर्स कैमरा चेंज करवाया था, और भाई का नाम है आदित्य। एंड अगेन बता देता हूँ कि भाई इलाहाबाद से आए हैं, शालीमार बाग, अराउंड 1500 किलोमीटर ट्रैवल करके। सो दूसरा काम जो मेरे पास रिक्वेस्ट भी बहुत आती है कि वो क्या चीज़ होती है गाड़ी में जिससे कि जो शीशे होते हैं, अगर आपकी गाड़ी के शीशे खुले हैं, जैसे ही आप लॉक का बटन दबाते हैं या इग्निशन ऑफ करते हैं, तो शीशे अपने आप ऊपर चढ़ जाते हैं, ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो रिले है, ये रिले आज हम लोग गाड़ी में इंस्टॉल करवाने वाले हैं, और मैं पूरी इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा आपको। अगेन उसके बाद आपको मैं प्राइस बताने वाला हूँ कि प्राइस क्या पड़ेगा और वारंटी वॉइड होगी या नहीं होगी। और दूसरी चीज़ की सारा काम मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे आप देख सकते हैं कि ओमकार एसेसरीज पर है, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा और फ़ोन नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपकी गाड़ी में लगेगा या नहीं लगेगा, और दूसरी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। इसको लगाने वाले हैं हम गाड़ी में, और अभी मोहित भी आपको पूरी इंस्टॉलेशन करके दिखाने वाले हैं। तो बेसिकली जो सारा काम है वो कपलर टू कपलर होगा, है ना? वारंटी वॉइड का कोई चक्कर नहीं है, प्लग एंड प्ले सिस्टम है सारा, सो वारंटी वॉइड का कोई चक्कर नहीं है। सो आप कनेक्शन देख सकते हैं, लाइव कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया, ये आपका डोर स्विच में जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है ये डोर स्विच में जाने वाला है, ये बैटरी के प्लस पे जाएगा, ये बैटरी के प्लस पे, ताकि पावर मिले इसको, रिले कंटिन्यू पावर मिलती रहे। ठीक है, और ये सेंटर लॉकिंग की उसमें जाएगा, रिले में आपके। इस पे लिखा भी है लॉक अनलॉक, ये देख सकते हैं यहाँ पे लॉक अनलॉक लिखा हुआ है, जिससे कि जो रिले है उसको सिग्नल मिलेंगे कि ऑटो फोल्ड होने चाहिए शीशे, है ना? एक ये रिले है ऑटो फोल्ड मिरर की। सो गाइस, ये जो साइड में मिरर होते हैं जिनसे आप पीछे देखते हैं, तो कई गाड़ियों में आपने देखा होगा, हुंडई i20 पहले से आता है, हुंडई i20 में पहले से आता है, बट बलिनो या दूसरी गाड़ियों में ऑलरेडी नहीं आता है। सो अब ये भी हो जाएगा कि जैसे ही आप गाड़ी आपकी अनलॉक करेंगे तो ये शीशे अपने आप खुल जाएंगे, और जैसे ही लॉक करेंगे तो शीशे अपने आप बंद हो जाएंगे। ये वाले ये भी कपलर टू कपलर, ये भी गाइस काम कपलर टू कपलर होने वाला है सारा, ये हो गया। सो ये इतना ही काम था, इससे कनेक्शन हो चुका है, बस अब जो पावर है वो बैटरी से मिलेगी इसे। ये अपना उसमें जाएगा स्विच में, ये स्विच में जाएगा ये वाला। हाँ, एक तार बैटरी पे लगेगी, एक तार बैटरी पे, दो तारे अनलॉक लॉक अनलॉक वाली लगेगी। सारी जो इंस्टॉलेशन हुई है वो प्लग एंड प्ले हुई है, यहाँ पे तार बिल्कुल भी नहीं कटा है कहीं पे, जिसका मतलब कि वारंटी वॉइड का कोई भी इशू नहीं आया है यहाँ पे भी। और अब मैं आपको पूरा जो एक्शन में है वो मैं आपको जब पूरा लग जाएगा उसके बाद दिखाऊंगा कि कैसे शीशे बंद होते हैं और जो साइड के फोल्डिंग मिरर्स हैं वो कैसे बंद होते हैं। इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है, एंड आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल अभी सारे के सारे शीशे खुले हैं एकदम। मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारे शीशे खुले हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये भी खुला है, ये साइड का भी खुला है, और ये पीछे वाले भी खुले हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं एक बार गाड़ी का इग्निशन बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही इग्निशन बंद करा गाड़ी का, एंड उसके बाद मैं ये लॉक वाला स्विच दबाऊँगा, तो आप देखिए कि वहाँ वाला शीशा सबसे ऊपर पहले गया है, फिर वो पीछे वाला जा रहा है उस तरफ वाला, देन अगेन ये वाला जाएगा, देन ये वाला। नेक्स्ट चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मिरर्स हैं ये भी ऑटो फोल्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं एक बार अनलॉक करता हूँ गाड़ी को। सो आप देख सकते हैं कि ये मिरर्स हैं अपने आप ये खुल चुके हैं, एंड अब मैं लॉक करता हूँ गाड़ी को, तो ये जो मिरर्स हैं ये वापस अपने आप बंद वैसे के वैसे ही हो चुके हैं जैसे पहले थे। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हमने जो रिले है इसमें इंस्टॉल करी है, जिसकी वजह से जो शीशे हैं वो ऑटो फोल्ड हो जाते हैं अपने आप, और साइड के मिरर्स हैं वो भी ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें वारंटी वॉइड का कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि हमने आपको दिखाया कि कपलर टू कपलर सारा काम हुआ है, जिसमें कि कोई भी वायर कटिंग नहीं हुई है। तो मैं आदित्य भाई से पूछना चाहूँगा कि भाई का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओमकार एसेसरीज के साथ, बिकॉज कमेंट्स में जो लोग लिखते हैं उससे खास फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल एक कस्टमर अपने मुंह से बोले उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो एनीवेज मैं भाई से पूछूंगा कि कैसा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। ओमकार एसेसरीज बहुत ही अच्छी है। हाँ, ये ओम भैया हैं, इनसे अच्छा बंदा कोई नहीं है। ये इन्होंने हेडलाइट की पूरी मुझे हमेशा के लिए वारंटी दी है कि कभी भी ख़राब हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिपेयर करेंगे या उसको रिप्लेस करके हमको देंगे। इसमें इन्होंने एकदम ओरिजिनल हेडलाइट लगाई है, एकदम ब्रांड न्यू हेडलाइट है, प्रोजेक्टर इसके एकदम ब्रांड न्यू है, ब्लास्टर एकदम नया है, सब कुछ इसका बहुत ही अच्छा है। और प्लग एंड प्ले सिस्टम है, कोई
कोई वारंटी वॉइड नहीं होगी, वो हमने भाई को कपलर टू कपलर है पूरा, वो हमने भाई को जब इंस्टॉलेशन कर रहे थे उसी टाइम बता दिया था और दिखा भी दिया था लाइव की कोई वारंटी वॉइड नहीं हो रही है। सो बहुत से लोगों के ये इश्यूज रहते हैं कि वारंटी वॉइड होती है। एनीवेज गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलें। इनकेस अगर आप भी लगवाना चाहते हैं तो आपको एड्रेस और फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं।